अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल बासित। जैसे कि आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो बेसिकली फ्रंट सेफगार्ड और बैक के पायदान के लेके आया हूँ। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि मैं GT 110 पे लगवाऊँगा और उसकी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये मेरे पायदान देखें तैयार हो चुके हैं बैक के, और फ्रंट का सेफगार्ड भी मेरा तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अब ये बताया चलूँ कि ये पूरे 16 गेज का ही बना हुआ है, और मार्केट में आपको इस क्वालिटी का तो अव्वल तो मिलेगा ही नहीं, आपको ऑर्डर पे ही बनवाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एड्रेस वगैरह सब मेंशन कर दूंगा। आप देख सकते हैं जो सामने जो कटिंग हो रही है वो इसके रॉड की हो रही है, वो जो रॉड है वो इसके अंदर चलेगा। ताकि अमूमन ऐसा होता है कि हमें पार्किंग में बाइक खड़ी करते तो जो पार्किंग वाले होते हैं वो बाइक पीछे से उठा लेते हैं, जिसकी वजह से ये बैंड हो जाता है। तो अब ये जो मसला है ये नहीं होगा, ये मैंने इसके अंदर दिलवाया है ताकि ये मसला हल हो जाए। अब जैसे कि देख रहे हैं ये फिटिंग हो गई मेरे बैक पैदन की। अब जो फ्रंट के सेफगार्ड हैं उसका थोड़ा सा काम उसका बाकी था, वो यानी कि करवारों में इसमें होल्स नहीं थे, तो वो होल्स यानी कि करेंगे तो ताकि वो उसकी जो क्लिप है वो उस पर लगेगा। देखें इसका अव्वल तो फ़ायदा ये है कि एक तो बंदा जब बाइक गिरती है तो बाइक की भी बचत होती है और आपके जो हाथ पांव हैं उसकी भी बचत यानी कि सेव हो जाते हैं उससे, आपके हाथ पांव भी। तो आप 1000 रुपये अपने ऊपर खर्चे करने से बेहतर है एक दफ़ा आप ये लगवा लें ताकि आपकी जान और माल दोनों की हिफाजत हो जाए। वैसे तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती बाइक के अंदर, लोग बोलते हैं इससे बाइक हैवी हो जाती है और बाइक बुरी लगती है, और बहुत से लोगों को पसंद भी आता है अपनी सेफ्टी के लिए लगवाते हैं। जो इन चीज़ों से गुजरा होता है ना वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आपकी बाइक में। तो ये वही लोग लगवाते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये 4500 रुपये का सिर्फ फ्रंट का सेफगार्ड है और 4500 रुपये का बैक का पायदान है, तकरीबन ये 9000 रुपये का खर्चा है। देखा जाए तो खर्चा तो ज़्यादा है लेकिन आपकी जान भी और माल भी दोनों यानी कि इसकी हिफाजत हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें होल्स कर दिए राजू भाई ने, और यही है जो यानी कि जिनका काम है और जिनकी शॉप है। एंड में मैं आपको शॉप वगैरह हर चीज़ मेंशन कर दूँगा आपको। और अभी जो फ्रंट का सेफ गार्ड है, अब ये इसको वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। बाकी आप वीडियो को पूरा देखें, मुलाहिजा करें, और फिर आप मेरे को कमेंट्स में जो भी आपके सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा।
अच्छा, तो एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये मैं आपके लिए बनाता हूँ, और बनाने का मकसद ये होता है मेरा वीडियोस का कि इससे किसी का फ़ायदा हो जाए। सही है, और बहुत लोग मुझसे मतलब पूछते भी हैं कि ये आपने कहाँ से लगवाया। रास्ते में अगर मैं कहीं ट्रैफिक में रुकता हूँ तब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से लगवाया, बाज़ार में इस क्वालिटी का तो नहीं मिलता, लेकिन इस जैसे तो बहुत दिखते हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये कि मैं लगवाता कहाँ से हूँ, किससे लेता हूँ, तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप यहाँ से लगवा लें, चीज़ भी अच्छी बनेगी और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। ये जो बाज़ार में आपको मिलते हैं ना, ये इन्हीं की यानी डिज़ाइन तो कॉपी करके बनाते हैं और वो हल्के गेज में होते हैं, कोई उनकी क्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं होती है उनकी। तो आप एक दफ़ा ये एक चीज़ लगा लें सदाबहार, आपका बड़ा फ़ायदा है। अगर आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाया करें, ताकि फिर मैं आगे और भी यानी वीडियोस आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आऊँ, ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो क्योंकि न्यू चैनल स्टार्ट करा है और मैं कोई पैसों के यानी कि चक्कर में मैंने स्टार्ट नहीं करा, लेकिन ये कि एक ऐसी मैंने शौक में स्टार्ट करा है। अगर आपको पसंद आती है तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे और भी वीडियोस में आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आऊँगा। मैं कहाँ से क्या चीज़ कैसी और कितने की मिलती है, कहाँ से चीज़ अच्छी मिल सकती है, तो मैं आपको वो हर चीज़ आपको बताऊँगा, आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपने शॉर्ट्स का सारा प्रोसेस भी देखा होगा। और यही राजू भाई हैं, और आपको मैं दिखाया तो एक दफ़ा ओवरव्यू कि बैक पायदान लगने के बाद कैसा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तो खूबसूरत भी लग रहा है, आपकी बैक की जो जो धुम है इसकी ये भी सेफ़ हो गई, आप पाँव रखने में जो पीछे बंदा बैठेगा उसके लिए आसानी भी हो गई, आपकी साइड आपके जो बाइक का साइड का हिस्सा है ये भी सेफ हो गया, फ्रंट का हिस्सा भी ये भी सेफ हो गया, आपके पाँव वगैरह हर चीज़ यानी जान माल दोनों हिफाजत हो गई और सेफ्टी भी हो गई आपकी चीज़ की। तो फ़वाद ज़्यादा हैं, नुकसान कम है इसके, और ये कि एक दफ़ा लगवा लेंगे तो फ़ायदा ही है, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये जो शॉप है मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा किधर है, ये जुबली मार्केट, जुबली की जो चौरंगी आती है मेन, उससे पहले है। और आप जैसे बंदर रोड से आएंगे तो मोबाइल मार्केट का जो आगे वाला सिग्नल है उससे अगर आप सीधा हाथ पे टर्न लेंगे तो वो तो रॉन्ग में जा रहा है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब किताब तक आप निकल जाएं वहाँ से तो आपको उसी लाइन पे आपने देखा होगा एक खीर हाउस के नाम से एक शॉप है मशहूर बहुत, उससे थोड़ा सा ही आगे ही सामने कोहिनूर मार्केट है, और ये सारे वेल्डिंग्स वाले लाइन से बैठे हुए हैं। ये ओवरव्यू दिखाने का मेरा मकसद ये है ताकि आप लोग आसानी से पहुंच जाएं। बाकी इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करता हूँ आप लोगों से। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।